हेलो एंड वेलकम दोस्तों, हिंदी बर्ड चैनल के एक और नए वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों सीएससी की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है कि अब आपको तुरंत ही एचडीएफसी बैंक का सीएसपी मिलने वाला है। बस आपको ये काम करना है जो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों अगर आप भी एचडीएफसी बैंक का सीएसपी खोलना चाहते हैं और उसमें सारे काम करके अच्छी खासी कमाई करना चाहते हैं तो दोस्तों जो मैं आपको प्रोसेस बताने वाला हूं वो आप कंप्लीट कर लीजिए और आपको तुरंत ही एचडीएफसी बैंक का सीएसपी मिल जाएगा। तो दोस्तों जान लेते हैं सीएससी के इस नए नोटिफिकेशन को, इसमें आपको सारी प्रक्रिया समझाई गई है जो आपको ऑफिशियल सीएससी की तरफ से आया है, तो चलिए देख लेते हैं। तो दोस्तों जैसे आप अपने डिजी मेल में आएंगे तो आप देख पाएंगे 20 फरवरी को यहाँ पे 9:36 पे आपको एक मेल आया होगा और ये आपके स्पैम फोल्डर में है। यहाँ पे देखिए, अगर आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए पूरा लिखा हुआ है डियर वीएलई कांग्रेचुलेशन और यहाँ पे देखिए पूरी प्रक्रिया आपको समझाई गई है। तो यहाँ पे देखिए स्टेप बाय स्टेप सब कुछ आपको बताया गया है कि कैसे क्या प्रोसेस करना है। दोस्तों इसके बारे में मैं कई वीडियो बना चुका हूं लेकिन वो ऑफिशियल अपडेट नहीं आया था, लेकिन इस बार हमें बिल्कुल ऑफिशियल अपडेट मिला है सीएससी की तरफ से कि अब प्रक्रिया पूरी स्टार्ट होने वाली है। बस कुछ ही दिनों की बात है और जल्द से जल्द आप इसका जो है काम कर पाएंगे। दोस्तों अभी इसकी प्रोसेस आपको करना क्या है मैं आपको प्रोसेस यहाँ पे समझा देता हूँ। तो दोस्तों अगर आपने सबसे पहले एचडीएफसी बैंक मित्र के लिए अप्लाई कर दिया है इस पोर्टल पे आके, यहाँ पे आप देख पाएंगे ये पोर्टल है और यहाँ पे आपको बैंक मित्र के लिए रजिस्टर्ड करना है, अप्लाई करना है, जो कि मैं कई बार वीडियो में आपको बता चुका हूं। तो दोस्तों इसके बाद अब आपको दूसरा प्रोसेस कंप्लीट करना है कि अब आपको अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से संपर्क करना है और डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से संपर्क करने के बाद आपको वहां पे अपना बीसी अकाउंट खुलवा लेना है। जी हाँ दोस्तों, आपको अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से बीसी अकाउंट खुलवा लेना है, जैसे कि देखिए यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे देखिए पहला स्टेप आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि बैंक मित्र पे रजिस्ट्रेशन करना है और दूसरे स्टेप में लिखा हुआ है कि डीएम या डीसी से कॉन्टेक्ट करके आपको जो है अपना बिजनेस कॉर्पोरेटनेस अकाउंट ओपन करवा लेना है। दोस्तों डीएम का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट मैनेजर और डीसी का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, जो कि सीएससी के व्याप से काम करते हैं। तो आपको इनसे कॉन्टेक्ट करके जो है अपना ये सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद देखिए तीसरा स्टेप क्या होता है कि डिस्ट्रिक्ट मैनेजर और डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर द्वारा आपको वेरीफाई किया जाता है और सफलतापूर्वक वेरीफाई होने के बाद अब आपके बैंक के एम्प्लॉय द्वारा आपको वेरीफाई किया जाएगा और जब आप वहां पे वेरीफाई हो जाएंगे तो आपको इसका फैसिलिटी मिल जाएगा, आपको इसका यूजर आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा और आप इसके लिए काम कर पाएंगे। अब दोस्तों बात करते हैं कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से कांटेक्ट करेंगे कैसे, आपको उनका नंबर मिलेगा कैसे। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्लिक ऑन, यहाँ पे देखिए क्लिक ऑन लिखा हुआ है, सबसे पहले पढ़ लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है टू नो अबाउट द कॉन्टेक्ट डिटेल्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मैनेजर। तो आपको क्या करना है, इस पे क्लिक करना है और जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देख पाएंगे आपके सामने इस तरीके से पेज खुलेगा। यहाँ पे आपको अपना स्टेट चुनना है और यहाँ पे आपको अपना डिस्ट्रिक्ट चुनना है और सर्च पे क्लिक करना है तो आपके डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर की कॉन्टेक्ट डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद देखिए आपको उन्हें फोन लगाना है और उन्हें बताना है कि आपको अकाउंट ओपन करवाना है, तो वो आपको एक टाइम देंगे, एक समय देंगे, आपको उस समय पे उनके पास जाना है अपना आधार कार्ड लेके, ठीक है, जो कि आपका ई आधार रहेगा जो कि आपने अभी अभी निकलवाया हो, और उसके बाद आपका पैन कार्ड रहेगा, ये सारे कलर में होने चाहिए और ये आपको ले जाने हैं अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के पास और उन्हें देने हैं और उनसे अपना अकाउंट ओपनिंग करवा लेना है। और दोस्तों ये जीरो अकाउंट है, इसका कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा, तो ये उनके पास जाके आप बड़ी ही आसानी से जो है आप सबसे पहले अपना अकाउंट ओपनिंग करवा लीजिए अगर आपने बैंक मित्र के लिए रजिस्टर्ड कर दिया है तो। अगर दोस्तों रजिस्टर्ड नहीं किया है तो आप मुझे अभी भी कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं फिर से स्टेप बाय स्टेप एक और वीडियो बना के आपको दोबारा समझा दूंगा कि कैसे क्या प्रोसेस होता है और आपको कैसे बैंक मित्र के लिए रजिस्टर्ड करना है। अब दोस्तों बात करते हैं कि आपको इसकी क्या क्या सर्विसें दी जाएंगी। तो दोस्तों आप जैसे कि यहाँ पे नीचे देख पाएंगे यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से सर्विसें मिलने वाली हैं। तो यहाँ पे देखिए सर्विसों को दो पार्ट में बांटा गया है, जो पहली सर्विसें हैं वो बीसी और बीओ को दी जाएंगी और जो दूसरी सर्विसें हैं वो डीएसए को दी जाएंगी। तो यहाँ पे आप सर्विसें देख सकते हैं, जो बीसी और बीओ को सर्विसें दी जाएंगी वो है बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट, डिपॉजिट, ठीक है, विड्रॉल और इसके बाद फंड ट्रांसफर और यहाँ पे ईकेवाईसी एनरोलमेंट, ये सारी चीजें जो है आपको एक बीओ और बीसी को दी जाएंगी। उसके बाद देखिए जो डीएसए सर्विस दी जाएंगी वो सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, ठीक है, फिक्स डिपॉजिट, टू व्हीलर लोन, ये सारी सर्विसें जो है डीएसए को दी जाएंगी। डीएसए काफी अच्छी सर्विस है यहाँ पे मिलने वाली है। तो दोस्तों आप समझ गए हैं कि ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है और अब बिल्कुल फ्रॉड नहीं है, एकदम ओरिजिनल काम सीएससी की तरह से किया जा रहा है और बहुत ही जल्द कुछ ही समय में सभी वीएलई भाइयों को एचडीएफसी बैंक का जो है बैंक मित्र बना दिया जाएगा और वो अच्छा खासा काम कर पाएंगे।
दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और साथ ही साथ हमारे सिंधी बर्ड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे। और डी एस